यहाँ पे आप ये जो घर जिनके घर डूब गए हैं ये देखिए आप यहाँ पे ये देखिए जो पहाड़ हैं ये छोटी छोटी टीले हैं इन पर लोग अपने छोटे छोटे घर बनाकर रह रहे हैं। आप यहाँ का सीन देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही लोग परेशान हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको जिस तरह से आपको मालूम है लगातार दिनों दिन बारिश हो रही है यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग हैं और यहाँ पे ये सरपंच साहब हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, ये लोगों को खाना बांट रहे हैं और इनसे बात करेंगे। जी सरपंच साहब राम राम। यस ये राम। कैसे हैं साहब? बस सब अच्छे हैं जी। लोगों को लगभग आप कितने दिनों से जल और कई सामग्री वितरण कर रहे हैं? करीबन हो गया 4-5 दिन से लगे हैं, निकालना समझाना बुझाना इनको सेपरेट करना जी, ट्रैक्टर से सामान उनको लोड करना जी। यहाँ के लगभग कितने लोग बाढ़ में फंसे हुए? अभी हमारे गांव में करीबन बिंजला खुड़ो और नयापुरा जी करीब 750 आदमी करीबन तीनों गांव परेशान है पानी के बारे। आप किस गांव से सरपंच हैं? उसेद। उसेद जी साहब, और यहाँ के बारे में थोड़ी यहाँ की समस्याओं के बारे में बताएं, यहाँ के लोगों क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको डूब में हर साल आते हैं, इनको जगह अपने सरकारी में इनको जगह दी जा रहने के लिए रोड के जो भी आसपास जी जी। तो हमारी प्रशासन से यही मांग, जिस तरह से सरपंच साहब बता रहे हैं कि लोगों को डूब हर साल ये स्थिति समस्या आती है, तो इनके लिए कोई अलग से इनको जो घर है या फिर आवास है उपलब्ध कराए जाएं और उन पर जो भी उचित कार्रवाई वो की जाए। और लगभग यहाँ पे लगभग कितनी जनसंख्या हुई टोटल? यहाँ करीबन 800 जनसंख्या है टोटल यहाँ टोटल। और लगभग कितने लोग जो फंसे हुए हैं अभी बाढ़ में? बाढ़ में मानो ये सब निकले हुए सब फंसे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप ये जो घर जिनके घर डूब गए हैं ये देखिए आप यहाँ पे ये देखिए जो पहाड़ हैं ये छोटी छोटी टीले हैं इन पर लोग अपने छोटे छोटे घर बनाकर रह रहे हैं। आप यहाँ का सीन देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही लोग परेशान हैं। बिल्कुल ज़मीनी लेवल से आप देख रहे हैं, हम एक जो पुलिया है उसको पार करके आए, यहाँ पर जो न्यूज़ वाले हैं बहुत कम ही आ पाते हैं। देख सकते हैं यहाँ का क्या कुछ सीन है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। ये अभी यहाँ पे सरपंच साहब ने यहाँ पे जो खाद्य सामग्री है वो वितरण की है तो काफ़ी लोग यहाँ पे जमे हुए हैं जी। साहब और किस तरह की आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? और हमें तो साहब जाएगी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है कि हर साल चंबल हमारी आती है तो हमें शासन प्रशासन लाभ देती है लेकिन हर साल कहाँ से देगी, इसलिए इसके बजाय हमें ऊंची सी जगह पे सरकारी जगह कोई हो अपनी छूट की बामे में थोड़ी थोड़ी जगह दे दी जाए तो भारी कृपा होगी जी। जिस तरह से आप देख सकते हैं इनकी समस्या आपने सुनी और इनकी समस्याओं पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कृपा करें, आपसे निवेदन है हमारा अधिकारी जो साहब हैं इनको जल्दी से जल्दी इनको आवास दिए जाए जी, बस रहने के लिए जगह और आवास क्यों जी। एक आंटी मिल गए, चलिए इनसे बात करते हैं। देख सकते हैं आप इनकी ये चारपाई वगैरह हैं, लोग यहाँ पे बैठे हैं और इनका घर वगैरह बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं 1996 में हमारे घर डूबे थे, 2019 में भी डूबे थे, अब हम उन घरों में हमारे को ये डबका लग रहा है अगर हम जाएंगे अगर हमारे को यहाँ से भगाएंगे तो वो घर गिर जाएंगे और गिरे रखे हैं, क्रैक भी हो गए हैं। हमारे को जो जगह खाली है जी, किसी से हम लड़ेंगे नहीं उसमें हमारे को बैठा दिया जाए जी, जी, जी हमारी मांग है। आबादी जगह है उसमें से हम मिलवाट के सब लोग ले लेंगे वो हमारे को दिलवा दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ का क्या कुछ सीन है, पूरा सीन दिखा दो, यहाँ का पूरा सीन दिखा दो पूरे यहाँ के सभी लोगों का। देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफी कुछ बेघर हो चुके हैं, यहाँ पे यहाँ के लोग जो भी हैं लोग टीलों पर जा जाकर बस रहे हैं रह रहे हैं और जो आसपास का जो इलाका है वो पानी से पूरी तरह से भर चुका है और कई सारे लोग यहाँ पे बेघर होकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनको। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।